तब आप उसको डिनाई करोगे, राइट? देर इज अ लीगल सिस्टम, आप उसके थ्रू क्यों नहीं करते? हमारे दो काउंसलिंग सेशन हो चुके हैं जिसमें काउंसलर ने उनको पूछा है आपको मन नहीं करता अपने बच्चे से मिलने का, राइट? तो उनका रिप्लाई क्या था? आई वॉज ओके टू गिव हिम विजिटेशन राइट्स, ही डिड नॉट टेक इट. ही सर आई वॉन्ट फुल कस्टडी, आई वॉन्ट फुल कस्टडी. बट क्यों? एंड देन ऑन द अदर साइड ही इज सेइंग मैं तो कुछ काम करता नहीं हूँ. जब काउंसलर ने बोला कि आप यू नो डोंट यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर योर चाइल्ड, लाइक आई डोंट आई रियली डोंट हैव एनीथिंग, आपको तो पता ही होगा. एंड देन आई सेड देन हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड? आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम केपेबल, आई एम विलिंग एंड आई एम डूइंग अ रियली गुड जॉब एज अ मदर. आई एम टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड्स होलिस्टिक वेलबींग, चाहे उसकी मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, आई एम डूइंग एवरीथिंग, चाहे उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाना हो. देन हाउ आर यू बींग अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट? आप सिर्फ एक ईगो प्ले के लिए बच्चे को मिलना चाहते हो, बच्चे का बचपन बीत रहा है. वाई कांट यू जस्ट टेक विजिटेशन राइट्स एंड कम एंड मीट द चाइल्ड? करेक्ट, दिस इज माई आंसर. एनीथिंग एल्स? ऑल्दो आई वॉज गोना कम टू द चाइल्ड्स पॉइंट, आई हैव मेनी मोर थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर इन दैट. दोस्तों, कुछ अर्से पहले करण मेहरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी निशा रावल के अगेंस्ट. उन्होंने बताया था कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है अपने ही मुंहबोले भाई के साथ. हमने देखा था कि निशा रावल ने इस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट बिल्कुल भी कोई लफ्ज नहीं बोला और मुकम्मल चुप सादे रही थी. लेकिन रिसेंटली निशा रावल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें सारे पोल खोले हैं करण मेहरा के, और उन्होंने भी बता दिया है कि उनकी खामोशी के पीछे क्या राज छुपा था. डिटेल्स जानने के लिए जुड़े हमारे साथ, चैनल को कर लें सब्सक्राइब. आपको पता चले दोस्तों, तो करण मेहरा और निशा रावल जिनकी डिवोर्स होने जा रही है और कोर्ट में इनका केस चल रहा है, ऐसे में अनिशा रावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया है कि किस तरह से करण मेहरा ने उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बच्चे को लेकर उन्होंने बोला कि मैं इस तरह से तुम्हारा साथ नहीं दे सकता जब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिल सकता. वो कहती है कि तुम बिल्कुल पीछे हट जाओ, मैं दिन रात मेहनत कर रही हूं अपने बच्चे के लिए कर रही हूं, मुझे उसको अच्छा फ्यूचर देने के लिए तुम्हारी अब जरूरत भी नहीं है, मैं उसको अकेले ही पाल लूंगी. साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो कोर्ट की बातें भी लीकी हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी राइट नहीं है. मैंने तो खुले में आकर कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और ना ही मैंने ये बताया था कि ये मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो सच हैं या झूठ हैं. मैं खामोशी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कोर्ट के अगेंस्ट जाके कोई भी काम नहीं करना चाहती थी. ज्यूडिशियल सिस्टम मौजूद है, वही जो चाहे कर सकता है. उन्होंने कहा कि करण मेहरा ने ना सिर्फ मेरे ऊपर बड़े आरोप लगाए बल्कि बच्चे के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली. मेरी कमजोरी नहीं है कि मैं इन बातों को सुन रही हूं और इनके खिलाफ जवाब नहीं दे रही, बल्कि मैं दिन रात अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रही हूं. सुबह सवेरे उठती हूं, घर से निकल जाती हूं काम के लिए, रात को लौट के आती हूं, अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम देती हूं, और इस सारे स्ट्रेसफुल माहौल में एक दिन भी उसको मैंने स्कूल से छुट्टी नहीं करवाई. तो इसका मतलब यही है कि मैं उसके मुस्तकबिल पर फोकस कर रही हूं, इसे मेरे पास इन छोटी मोटी चीजों के लिए टाइम नहीं है. लेकिन करण को मैं आज बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे तो मैं खामोश रहूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि पूरे प्रूफ्स के साथ में आऊंगी और आपको इसी तरह से मीडिया के सामने जलील कर दूंगी. वेल, हमारी तो बेस्ट विशेस हैं इस कपल के साथ कि जल्द से जल्द इनका पैचअप हो जाए और इनके बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो. आपका कहेंगे जरूर बताएं. मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ.